दोस्तों इस डिजिटल लाइफ में हमें सबसे सख्त ज़रूरत है एक स्टोरेज डिवाइस की, जहाँ पे हम लोग हमारा डेटा स्टोरेज कर सकें, क्योंकि अब डेटा इतना सारा बढ़ गया है हमारे पास, फोटोज़ आ गए, 4K वीडियोज़ आ गए, HD, स्लो मोशन, इतना सब कुछ हो गया है कि हमें अलग से एक स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पे हम लोग हमारा सब डेटा स्टोर कर सके। तो मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, SD कार्ड, हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कैमरा में, मोबाइल में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है SD कार्ड, यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जिससे आप आपका कार्ड सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि आपका कार्ड खराब होने से बचा सकते हैं और आपका डेटा लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। आजकल हमें क्या डुप्लीकेट में नहीं मिलता है, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छे ब्रांड के, जो भी चीज़ अच्छी है, महंगी बिकी जाती है, उसका डुप्लीकेट माल आ ही जाता है जो हमें सस्ते में मिलता है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट रहेगा, जेन्युइन कार्ड खरीद लीजिए। आप जब भी कार्ड खरीदे तो चेक कर लीजिए कि ये कार्ड असली है कि नहीं। तो सबसे पहली टिप रहेगी मेरी कि कार्ड जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि कार्ड ओरिजिनल कंपनी का ही होना चाहिए। आप सैंडिस्क लो, ट्रांसेंट लो, जो भी कंपनी का ले रहे हो वो कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। उसकी डुप्लीकेट कॉपी रहेगी तो वो कुछ फ़ायदे की नहीं, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी चीप रहेगी, वो कब धोखा देगी हमें भी मालूम नहीं, उस कंपनी को भी मालूम नहीं, क्योंकि उसकी वारंटी नहीं रहती है। तो आप ये कार्ड कहाँ से ले सकते हो कि जो सिर्फ ओरिजिनल ही हो? तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है भरोसा। आप जिस भी दुकान से हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ले रहे हो, या फिर कैमरा की दुकान है जहाँ से आप सब सामान ले रहे हो कैमरा का, तो उस आदमी पे हमारा एक भरोसा रहता है, इसलिए हम उसके पास जाते हैं बार बार अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए। तो उसको ही मद्देनज़र रखते हुए आप उसी के पास से ओरिजिनल मेमोरी कार्ड खरीदें। कोई दूसरा दुकानदार या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट हो, कोई भी अगर कार्ड सस्ते में बेच रहा है तो उस जैसे में ना आए, वो कार्ड शायद डुप्लीकेट हो सकता है। तो जो हमारे भरोसेमंद रहेगा उसे ही कार्ड लीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है जेन्युइन कार्ड लेने का। और मैं सैंडिस्क कंपनी के मोस्टली कार्ड यूज़ करता हूँ, सो मुझे सैंडिस्क की आइडिया है, बाकी कंपनीज की आइडिया नहीं। लेकिन सैंडिस्क क्या करता है, उनके वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन लिंक दी रहती है, तो आप जब कार्ड खरीदते हैं तो कार्ड का जो सीरियल नंबर होगा वो आप उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं रजिस्टर करके कि ये कार्ड असली है या नकली। अगर वो मैच हुआ उनके सिस्टम में सीरियल नंबर आपके मेमोरी कार्ड का, तो आपके वो डिटेल्स ले लेगा, यानी कि आपकी वारंटी वहाँ से चालू हो जाएगी। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है जानने का कि आपका कार्ड जेन्युइन है कि नहीं। बिलीव मी गाइस, जेन्युइन कार्ड्स और डुप्लीकेट कार्ड्स दिखने में पूरे सेम दिखते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स बहुत ही अलग अलग रहते हैं। डुप्लीकेट कार्ड कब धोखा दे किसी को मालूम नहीं। टिप नंबर 2 है, उसको ठीक से रखना। हम लोग जनरली क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड लिया तो किसी पाउच में रख दिया, या फिर उसके साथ जो प्लास्टिक की डब्बी होती है वो भी अच्छी रहती है, उसमें भी आप कार्ड रख सकते हो। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, या फिर उसमें बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, तो प्लीज़ आप एक कैरी केस उसका खरीद लीजिए। 200-300 रुपए में मिलता है वो खरीद लीजिए। वाटरप्रूफ रहता है, डस्ट प्रूफ रहता है, लेकिन उसमें आपके कार्ड सिक्योर रहेंगे ना, उसमें मॉइस्चर जाएगा या फिर पानी में गिर गया तो भी कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि मेमोरी कार्ड से पूरा प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, एकदम डेलिकेट चीज़ रहती है। उसको अगर गिरने पर या फिर कौन से भी साइड से प्रेशर आ गया तो वो जल्दी से टूट सकता है। तो उसको एक प्रॉपरली केस में रखना, ये मेरी दूसरी टिप होगी। मैं इन केसेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों जब भी खाना खाते हैं तो एकदम पूरा यहाँ तक गले तक पेट भरते हुए तक खाते नहीं है, जितना हमें भूख लगी है उतना ही हम खाना खाते हैं। तो वैसे ही मेमोरी कार्ड के में भी वही रहता है। अगर आपका कार्ड 16 GB का है तो प्लीज़ उसे 16 GB तक पूरा मत भरिए, उसको 15 या फिर 15.5 GB तक ही भरे, थोड़ी सी उसमें 100-150 MB स्पेस खाली रखे। तो ये मेरी तीसरी टिप है कि कार्ड पूरा ना भरे। कार्ड पूरा ना भरने का सबसे मेन रीज़न ये रहता है कि मान लो अगर आपका कार्ड करप्ट हो गया और आप उसको रिकवरी के लिए दे रहे हैं, कौन से तो सॉफ्टवेयर में आप डाल रहे हैं वो रिकवरी के लिए, आपका जो इमेजेस लॉस्ट हुए या फिर डेटा लॉस्ट हुआ है उसके लिए, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है उसको वो कार्ड के अंदर घुसने के लिए तो थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आपने कार्ड पूरा भर दिया है 16 GB का, 16 GB का,
तो उस सॉफ्टवेयर को अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी कार्ड के, तो कार्ड को थोड़ा सा खाली रखिए, 100-150 MB, यानी कि आपको मालूम है अभी 80 फोटो बचे हैं, तो कार्ड निकाल दिया, दूसरा कार्ड डाल दिया, ये है सबसे बेस्ट तरीका। थोड़ा सा इमेजेस बचा के रखिए, थोड़ी सा डेटा बचा के रखिए, और ये हर एक कार्ड में लागू होते हैं ये चीज़। तो मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि कार्ड को पूरा ना भरें, उसको हल्का सा खाली रखें, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर इनपुट करके डेटा रिकवर कर सकते हैं। मेरा चौथा पॉइंट है स्पीड। आजकल हम 2G से 4G तक आ गए, SMS से WhatsApp पे आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए, सबको फास्ट इंटरनेट चाहिए, फास्ट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, तो हमारा कार्ड क्यों नहीं फास्ट होना चाहिए। 216 GB के 3 कार्ड देख सकते हो आप यहाँ पे अलग अलग, और तीनों की प्राइसेस अलग अलग है। वैसे तो देखने जाए तो कैपेसिटी 16 GB ही है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, तो उसमें मेन फ़र्क ये है कि उसकी स्पीड अलग अलग है, उसका क्लास अलग अलग है। मैं रिकमेंड करूँगा क्लास 10 का कार्ड, जो मैक्सिमम स्पीड में आप बजट में आ सकता है वो। अब ध्यान से देखिए, हम जो फ्री में कार्ड मिलते हैं, कौन सा भी हम लोग कैमरा वगैरह लेता है, तो हमें ये ब्लू कलर का एक कार्ड मिलता है, ये बहुत ही बेसिक कार्ड है, ये ज़्यादा करके कुछ काम का नहीं है, इनकेस ऑफ एमरजेंसी के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप फोटोज रॉ में शूट करते हो, HD वीडियो शूट करते हो, तो आपकी फाइल साइज भी बड़ी हो गई है, तो ये जो स्पीड है, तो आपके प्रोसेसर से डेटा लेके कार्ड में उसको ट्रांसफर करना है, ये स्पीड जो है, ये रीड एंड राइट का स्पीड, ये हमारा मेमोरी कार्ड से होता है। सो अगर आपके पास हाई स्पीड का कार्ड रहेगा तो प्रोसेसर जल्दी से पूरा डेटा अपने कार्ड में कॉपी कर लेगा और आपको काम में आसानी जाएगी। अदरवाइज अगर आपका कार्ड स्लो है तो आपका काम भी स्लो होने के चांसेस है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि क्लास 10 का कार्ड खरीद दीजिए, और जितना मैक्सिमम स्पीड आप खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जितना स्पीड उसका बढ़ते जाता है उतनी उसकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। तो मेक श्योर आपके बजट में जो मैक्सिमम स्पीड आता हो उसका कार्ड आप खरीदें। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है, कार्ड को उसके डिवाइस में इंसर्ट करना। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ कैमरा का, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कार्ड प्रॉपरली कैसा अंदर डाला है। क्योंकि देखिए, CF कार्ड में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, 32 पॉइंट्स रहते हैं। अगर आपने कार्ड उसमें 13 डाल दिया अंदर, तो कैमरा के अंदर जो पॉइंट्स है, अलग मेटल पॉइंट्स जिसमें ये कार्ड फिट होता है, वो बैंड होके कैमरा का कार्ड रीडर खराब हो सकता है, या फिर कार्ड स्लॉट खराब हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आप SD कार्ड में देखोगे तो पीछे बार प्लास्टिक की हल्की हल्की स्ट्रिप्स है, जो मेटल पार्ट्स को अलग अलग करके, अगर आपने उसको ठीक से नहीं डाला तो वो टूट सकती है बीच में से, और वो आपके कार्ड को प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो जब भी आप कार्ड कोई इंसर्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप कार्ड को सेंटर में से प्रेस करें, ना कि कौन से एजेस से। अगर कार्ड एजेस में से अंदर गया तो कार्ड एक तो सबसे पहले टेढ़ा जाएगा, और वो कार्ड डैमेज होने के चांसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आपका कार्ड अच्छे से काम नहीं करेगा बाद में। तो मेक श्योर कि कार्ड रीडर हो, कहीं पे भी आप कार्ड इंसर्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप स्ट्रेट कार्ड इंसर्ट करें, उसको सेंटर में से प्रेस करते हुए, सेम वे निकालते समय ही उसको सेंटर में से ही पकड़ के खींचे, उसको अगर साइड में पकड़ोगे तो टेढ़ा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है आज की 5 टिप्स अपने मेमोरी कार्ड के लिए, जिसकी आपकी मेमोरी कार्ड की सेहत बढ़ेगी और वो आपका डेटा भी बचा लेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।